सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूएन एकेडमी। दिस साइड अमन मिश्रा फ्रॉम आईसर भोपाल। जैसा कि आप जानते हैं, केवीपीआई चैनल के लिए 11 नवंबर को थर्ड राउंड आया था, वो एक्सटेंड करके 16 नवंबर 4 बजे तक कर दिया गया था। सेम एससीबी वाले बच्चों को भी एक्सटेंड कर दिया गया था राउंड 3। बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है कि स्पॉट राउंड का एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे एंड स्पॉट राउंड के एक्चुअल एडमिशन होते कैसे। मैंने उसके रिगार्डिंग दो वीडियो आपको ऑलरेडी बनाई थी, इस वीडियो में और डिटेल में बातें करने वाला हूं। जितने भी बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आईसर के व्लॉग्स, आईसर कैंपस टूर, आईसर के रिगार्डिंग 2022 का क्रैश कोर्स, सारे वीडियोस बहुत जल्दी आ रहे होंगे। इस वीडियो में मैं स्पॉट राउंड की बात करने वाला हूं एंड जिन बच्चों को पर्टिकुलर डाउट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके फॉलो कर लो। वहां पे आईसर्स के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दी गई है एंड आईसर भोपाल के ब्लॉग्स भी हैं, तो जितने बच्चे हैं जाके फॉलो कर लो। चलिए बातें करते हैं। जैसा कि 19 नवंबर को एससीबी चैनल का राउंड 4 आने वाला है, राउंड 4 में कट ऑफ के चेंजेस होने वाले हैं। जिन बच्चों की रैंक थोड़ी पीछे है उनको भी कॉलेजेस मिल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सीट्स कुछ बहुत बाकी हैं। आईसर बहरामपुर में थोड़ी सीट बाकी हैं, तिरुपति वगैरह में कुछ ही सीट्स बाकी हैं, ऑलमोस्ट आईसर में सीट भर चुकी हैं। जो भी है वो स्पॉट राउंड में होने वाला है। अब बातें करते हैं, आपका 19 नवंबर को एससीबी का है, केपीआई का 18 नवंबर को है, डेडलाइन है 19 नवंबर को एंड 22 नवंबर को डेडलाइन है एससीबी वाले बच्चों को। आईटी जेई एडवांस चैनल से 17 नवंबर मतलब आज आपका आईटी जेई वाले बच्चों का अलॉटमेंट हो चुका है। जिन बच्चों को जो भी कॉलेज मिला हुआ है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए एंड 21 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। बात करें आईटी जेई एडवांस, 25 नवंबर को सेकंड राउंड है, 28 नवंबर को इसके बाद है एंड इनके बाद जो भी सीट बचती हैं वो होता है स्पॉट राउंड एडमिशन में। स्पॉट राउंड एडमिशन में आपको ईमेल आता है, जिन बच्चों ने सीट छोड़ दिया है उनको भी जाएगा एंड जिन बच्चों की रैंक पीछे तक है उनको भी जाएगा कि आपको इतने इतने दिन है, इतने दिन के अंदर रिपोर्टिंग करनी है। वो वाले बच्चों का कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, देन आपका रिपोर्टिंग होगी एंड आपको 4 से 5 दिन के अंदर रिपोर्ट करना होगा एंड आपको बताया जाएगा कि इस ईमेल आईडी में। इस टाइम तो ऑनलाइन हो रहा है, हमारे टाइम में रिपोर्ट करना पड़ता था, अभी ऑनलाइन होगा सारी रिपोर्टिंग। जितने भी बच्चे हैं अपनी ईमेल आईडी को लगातार चेक करते रहिएगा। किसी भी बच्चे के पास कोई भी ईमेल आता है मुझे इन्फॉर्म कीजिए vivonacademy@gmail.com में। आपको आईसर तिरुपति बहरामपुर मिल जाएगा, इतना श्योरिटी है। जितनी रैंक है आपकी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए एंड आपका कौन सा ड्रीम आईसर है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं आईसर भोपाल में। जो भी बच्चे आईसर भोपाल में आ रहे हैं जाके इंस्टा पे फॉलो कीजिए, जरूर मिलेंगे। बाय बाय, स्टे सेफ, जय हिंद एंड स्पॉट राउंड में काफी पीछे रैंक तक एडमिशन हो जाएंगे।